नमस्कार, स्वागत है आपका इंडिया खबर 24 न्यूज में और मैं हूं आपके साथ साक्षी। आइए रुक करते हैं इस वक्त की बड़ी खबरों की ओर। गोंडवाना समाज की वीरांगना रानी दुर्गावती की वीरता एवं बलिदान की गाथा को जन जन तक पहुंचाने के लिए मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने 22 जून को बालाघाट से गौरव यात्रा को हरी झंडी दिखाकर शहडोल के लिए रवाना किया। इस अवसर पर आयोजित कार्यक्रम को संबोधित करते हुए उन्होंने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में केंद्र सरकार महिला सशक्तिकरण के साथ साथ गरीब व्यक्ति के कल्याण के लिए कृत संकल्पित है। मुख्यमंत्री श्री चौहान ने कहा कि यूक्रेन संकट के समय वहां पर फंसे भारतीय छात्र छात्राओं को सकुशल लाया गया है। कार्यक्रम में उन्होंने कहा कि प्रदेश सरकार अगले साल से ग्रीष्मकालीन धान को भी समर्थन मूल्य पर खरीदने का काम करेगी। मुख्यमंत्री श्री चौहान ने कहा कि बालाघाट जिले में मेडिकल कॉलेज खोलने की घोषणा पूर्व में हो चुकी है और अब आगामी दिसंबर में इसका भूमि पूजन किया जाएगा। उन्होंने बताया कि जिले की 3,43,000 बहनों के खाते में 1,00,000 रुपए की राशि दी जा चुकी है। वर्तमान में लाडली बहनों को दी जा रही 1,000 रुपए की राशि को धीरे धीरे बढ़ाकर 3,000 रुपए कर दिया जाएगा। मुख्यमंत्री श्री चौहान ने यह भी कहा कि 12वीं बोर्ड परीक्षा में शासकीय स्कूल में प्रथम आने वाले छात्र छात्राओं को स्कूटी दी जाएगी। प्रदेश में सरकारी पदों पर 1,00,000 भर्ती दी जा रही है, इसके पश्चात 50,000 अतिरिक्त पदों पर भर्ती दी जाएगी। मुख्यमंत्री श्री चौहान ने बताया कि गोंड समाज की वीरांगना रानी दुर्गावती की वीरता एवं बलिदान गाथा को जन जन तक पहुंचाने के लिए बालाघाट से गौरव यात्रा को शुभारंभ किया गया है। यह यात्रा बालाघाट जिले के प्रारंभ होगी और 27 जून को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की मुख्य उपस्थिति में शहडोल में गौरव यात्रा का समापन होगा। केंद्रीय मंत्री फग्गन सिंह कुलस्ते बालाघाट से शहडोल यात्रा के प्रभारी होंगे। प्रदेश अध्यक्ष व सांसद विष्णु दत्त शर्मा के केंद्र सरकार द्वारा संचालित विभिन्न जन कल्याणकारी योजनाओं की जानकारी देते हुए केंद्र सरकार के 9 वर्ष के सेवा सुशासन एवं गरीब कल्याण का जिक्र किया गया। उन्होंने कहा कि सरकार गरीबों को अब पक्के आवास बनाकर दे रही है और साथ ही डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफर के माध्यम से गरीब एवं जरूरतमंद व्यक्ति के धन जन खाते में सीधे पैसे भेज रही है। गौरव यात्रा के शुभारंभ अवसर पर सीएम शिवराज सिंह चौहान के साथ केंद्रीय इस्पात एवं ग्रामीण विकास राज्य मंत्री फग्गन सिंह कुलस्ते, मध्य प्रदेश के गृह मंत्री नरोत्तम मिश्रा, प्रदेश अध्यक्ष विष्णु दत्त शर्मा, बालाघाट जिले के प्रभारी मंत्री हरदीप सिंह उपस्थित रहे। कार्यक्रम का शुभारंभ दीप प्रज्वलित कर किया गया। कार्यक्रम का मंच संचालन श्रीमती मौसम हरिनखेड़े ने किया। गर्मी वाली धान होती है लेकिन गर्मी वाली धान समर्थन मूल्य पर खरीदी नहीं जाती। किसान भाइयों, अगले साल से गर्मी की धान भी हम खरीदेंगे। समर्थन धान की हम खरीदेंगे। बताओ तो हमने बदल दिया था कमलनाथ को कि कमलनाथ ने सरकार बनाया जो ब्याज की नसीब आपके सर पर चाहिए। भारतीय जनता पार्टी सरकार उस ब्याज को भर के किसानों को भाव और बीज की व्यवस्था सौसाई में से करवाए। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने फैसला किया 6,000 रुपया हर किसान को एक साल। मैं चौथी बार में फोन किया लेने का सेवा प्रधानमंत्री प्रकाश चौहान की रिपोर्ट।